फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सब? तो आज मैं आपके साथ कूटू के रोल की रेसिपी शेयर करूंगी। तो जिसके लिए मैंने कच्चा आलू लिया है, बॉयल आलू नहीं लेना है। तो इसमें ऐड करेंगे हम व्रत वाला नमक, स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, काली मिर्च और जीरे का पाउडर, लाल मिर्च पाउडर जितना तीखा आपको खाना है, हरा धनिया और हरी मिर्च और कूटू का आटा। और इसको मिक्स कर लेना है, पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। और मैंने गैस पे कढ़ाई भी रख दी है, कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है। तो हम इसके डो को तैयार कर लेते हैं। रोल के लिए मैंने आटा को इसको तैयार कर लिया है। तो थोड़े से हाथ पे देसी घी जो आप ऑयल यूज करते हैं वो लगा के आप इसको ऐसे करके रोल बना लीजिए और बना के रख लीजिए। तो मैंने कूटू और कच्चे आलू के रोल को बना के रख लिया है। आप कभी भी रोल बनाए तो हमेशा कच्चा आलू यूज करें, क्योंकि बॉयल आलू ऑयल को ज्यादा सोखता है। तो मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है, उसमें ऑयल भी डाल दिया है। तो अपने रोलों को सेक लेते हैं। मीडियम फ्लेम पे सेकना है, गैस मीडियम ही रखनी है, क्योंकि ये कच्चे आलू है तो ये थोड़ा सिकने में टाइम लेंगे। रोल अब हमारे सिकने को हो गए हैं, तो थोड़ा हमें गैस को तेज कर लेना है। तो हमारे कूटू के रोल सिक चुके हैं। तो आप इन्हें चाय के साथ, हरे धनिया की चटनी के साथ, नारियल की चटनी के साथ या दही के साथ, किसी के भी साथ खा सकते हैं। तो मैं आपको कूटू के रोल को तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए कितना अच्छा बना है। अगर हम इसे तेज गैस पर सेकेंगे तो हमारा कूटू का रोल जल जाएगा, इसलिए मीडियम फ्लेम पर ही मैंने सेकना है।